शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। आप दोनों को इस अंगूठी को ढूंढना है, वो इस गेम का विनर होगा। ध्यान से करण, हाँ, क्योंकि काव्या अगर ये गेम जीत गई ना तो तुम्हें जिंदगी भर जोरों की गुलामी करनी पड़ेगी। देखिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके इस प्रेमिसेस के सर्च वारंट है हमारे पास। सर, ऊपर वाले कमरे से यह बैग बरामद हुआ और इसमें बहुत सारा कैश है सर। काव्या, हमारे हवेली के लिए तुम बहुत अपशकुनी हो। तुम्हारी वजह से हमारी हवेली की लक्ष्मी आज बाहर चली जाती। दादी, काव्या कैसे अपशकुनी है? ये आईटी वालों की रूटीन रेड थी, और काव्या तो सही मानों में तो घर की लक्ष्मी निकली। ये पैसा बाहर जाते हुए बच गया। तुम्हारे चौक बनाने से पहले ही अपशगुन हो गया। क्या तुम्हें प्रसाद बनाना आता है? जी दादी माँ, आता है। तो जाओ किचन में और बिना किसी के मदद के सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाओ। काव्या आज किसी की मदद लिए बिना प्रसाद बनाएगी। मेनका, तुम जाके चौक बनाओ। जी अम्मा जी। आयुष्मान, थैंक यू सो मच, अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो इतने टेंशन में भूल गया कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी मिलते हैं। सर, आपसे ही सीखा है। अब हम चलें सर? अरे नहीं नहीं, पूजा शुरू होने वाली है, पूजा के बाद जाना। बैठो पति। बहू रानी, आज किचन में आपका पहला दिन है, अगर कुछ चाहिए तो। काव्या आज किसी की मदद लिए बिना प्रसाद बनाएगी। बद्री, चाय लेकर आओ। जी राजमाता, अभी लाया। बहुरानी, आप संभाल लेंगी ना? अरे बद्री काका, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। जी। बद्री काका को बोल तो दिया कि मैं सब संभाल लूंगी, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ संभाल पाऊंगी। 4 बजे तक कैसे भी करके प्रसाद बनाना है मुझे। हे महादेव, अब आप ही का सहारा है। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। हाँ, करण सर को इंप्रेस करने के लिए एक बार मैंने माँ से खीर बनाना सीखा था, तो आज मैं खीर ही बनाऊंगी। और वैसे भी आज तो करण सर ने कमाल ही कर दी, तो आज उनके पसंद का ही प्रसाद बनेगा। खीर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे दूध। अब मुझे चाहिए चावल। चाहिए मुझे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स कहाँ है? नहीं है।
दुखी होंगी। जल्दी कर काव्या, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी कुछ करो। इनके लिए भी लाओ। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर आए अतिथि बिना कुछ खाए पिए नहीं जाते। अगर चाय नहीं चाहिए तो फल शरबत। नहीं, चाय ठीक है, चाय ठीक। लोटा। जी अम्मा। रुको, सुनो, ये दादी थोड़ी अजीब नहीं है क्या? हवेली में रहने वाली दादियां ना ऐसी होती हैं। अजीब तो यहां तू है। क्या कर रहा है, अच्छे से बैठना। किचन में काव्या प्रसाद बना रही है, तुम वहां जाके उसका वीडियो बनाओ। किसका अम्मा? प्रसाद का? काव्या का। ये कौन है अम्मा? लोटा, काव्या बहू। हाँ, पर क्यों अम्मा? जैसा हम कह रहे हैं वैसा चुपचाप करो। ठीक है। हमें पल पल का समाचार चाहिए। जी जी। गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है, जो इस घर के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। एक पत्नी का धर्म है जो पति ना कर पाए वो कर दिखाना। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इस पूजा में काव्या कोई ऐसी भारी गलती करे कि अम्मा उसे सबके सामने अपमानित करे। चले। ये वीडियो मेरे खाली टाइम का एंटरटेनमेंट है। कमाल हो आप काव्या भाभी। और से देखिए इस बेचारी लड़की को, जो सिंह हवेली के किचन में पहली बार प्रसाद बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये प्रसाद बना पाएगी, ये जानने के लिए आप देखते रहें लोटा टीवी। मदद के बहाने भाभी से नजदीकियां बढ़ाने का ये अच्छा मौका है। अरे अरे वाह लोटा मामा वाह, इतना अच्छा फोन है आपका। कितना जीबी का मेमोरी कार्ड है इसका? जीबी मेमोरी कार्ड पढ़ रहा है। भाभी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, तो आपका ये देवर हमेशा आपके लिए हाजिर है। अरे नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके ओके, बट स्टिल इफ यू नीड समथिंग तो बस एक इशारा सा कर देना, मैं हर पल आपके आसपास ही रहूंगा। जी बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किस्मत है करण भैया की। ये हो गया, अब मुझे चाहिए चीनी। चीनी यहाँ
एक काम करना, जो चीज जहां थी वहीं पर रखना। ठीक है सर। सुनो यालो, तुम रहने दो। और साहब कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, अपना काम करो, मैं ये कर लूंगा। कौन सा चीनी है और कौन सा नमक, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, किसी को पूछ भी तो नहीं सकती। सब तो यही सोचेंगे ना, ये कैसी बहू है, नमक और चीनी में फर्क ही नहीं जानती। सुनकर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या करूं मैं। क्या पता ये किसी टाइप का शाही शुगर हो, पर बिना टेस्ट किए पता कैसे चलेगा। ये काव्या बहू तो चुपचाप खड़ी है, कुछ कर गई है। मुझे भी जोर से आ गई है लघु शंका, मुझे जाना पड़ेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप लोग बने रहिए लोटा टीवी के ठाक। लोटा लोटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें काव्या का खीर बनाते वक्त वीडियो बनाने के लिए बोला था ना। जी अम्मा, आपने तो बोला था, पर वो काव्या कुछ कर ही नहीं रही है, चुपचाप खड़ी है। मुझे बहुत तेज लघु शंका आ गया। बताओ क्या शंका है तुम्हारी? शंकाओं का नहीं अम्मा, लघु शंका। जाओ जल्दी। हाँ। रुको, फोन दे दो। ये काव्या कुछ कर क्यों नहीं रही? अरे वाह मां, खीर बना रही हो? खुशबू से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है, पर असली स्वाद तो चख के ही पता चलेगा। अरे ये क्या कर रही हो? क्या हुआ माँ? बेटा ये प्रसाद के लिए है, इसे बड़ी पवित्रता से बनाना पड़ता है। ना तो इसमें झूठी सामग्री डाल सकते हैं और ना ही भगवान को भोग लगाने से पहले इसे चख सकते हैं। अच्छा हुआ मैंने टेस्ट नहीं किया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। पर अब मैं क्या करूं, कैसे पता चलेगा? हाँ मिस्टर वर्मा, बताइए। क्या आपने मेरा प्रपोजल देखा? जी जी, मैंने आपका प्रपोजल देखा है। आपका ब्रेक इवन पीरियड बहुत लंबा है। हेलो करण प्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं आपको। जी अरे प्रसाद बना कि नहीं अभी तक? अम्मा जी, मैंने तो चौक कब का बना दिया, पूजा के लिए लेट हो रहा है ना। अब प्रसाद बनाने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। हे भगवान,
अरे जिसको नमक और चीनी में फर्क नहीं पता वो क्या खीर बनाएगी? इतना भी तुम्हें देखिए ना, जिसे चीनी और नमक का फर्क नहीं पता वो क्या प्रसाद बनाएगी? सच कह रही है मेनका, तुम्हें सच में नमक और चीनी का फर्क नहीं पता? दादी, दादी माँ, फर्क पता है मुझे, पर ये हिंदू डब्बों में से चीनी किस में है ये फर्क नहीं पता चल रहा था। और हमारे यहाँ तो चीनी के दाने मोटे होते। तुम्हारे घर में चीनी कैसी होती है ये जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है। हमारे घर में चीनी इसी तरह दिखती है, इसे ध्यान से देख लो और पहचान लो। अपनी बराबरी में शादी हुई होती तो बहू को ये सब सिखाना नहीं पड़ता ना। मेनका, सॉरी माँ जी, अब तुम्हें चीनी और नमक इसका फर्क ही पता नहीं तो हम क्या बोले? तुम एक काम करो, तुम रसोई से बाहर निकलो। तुम तो एक साधारण घर की बहू बनने के लायक भी नहीं हो अभी, तो इस हवेली के बहू बनने का सपना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें प्रसाद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी, काव्या को आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, इसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। राजमाता, पंडित जी आ गए। लो, पंडित जी भी आ गए। अब अगर काव्या प्रसाद टाइम पे नहीं बनाएगी ना तो हम सब लेट हो जाएंगे। बद्री, चीनी इसमें है ना? जी। काव्या, मैं चीनी का डब्बा अलग यहाँ पर रखता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। करण की वजह से हर बार हमारा खेल खराब हो जाता है। आज फिर करण ने काव्या को बचा लिया। अब कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। अब तुम आराम से बिना घबराए प्रसाद बनाओ। जल्दी आओ। काव्या, तुम्हें अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। चाची जी, ड्राई फ्रूट्स कहाँ रखे हैं? ड्राई फ्रूट्स? वो वहां पहले वाले ड्रॉर में रखे हैं। थैंक यू।
ध्यान से काव्या, खीर स्वादिष्ट बननी चाहिए, वरना तो अम्मा जी का गुस्सा तुम जानती हो, है ना? जी जी, ऑल द बेस्ट। के बाद आप सभी का लोटा टीवी में स्वागत है। चलिए देखते हैं कि खीर कैसे बन रही है। बहु काव्या को बुलवाइए, पूजा शुरू कर ली। आज तक आपका शातिर दिमाग जो नहीं कर पाया ना, वो मैंने कर दिखाया। क्या? प्रसाद की खीर में आज चीनी नहीं बल्कि नमक है। बहू, अब आप सबको प्रसाद दो। जी। दादी माँ, प्रसाद कैसा बना है? जिस तरह हम बिजनेस में बात नहीं करते, उसी तरह हवेली के मामलों में आप भी कम सवाल करें तो बेहतर होगा। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।